तो क्लास, अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में हम ये बोल रहे हैं कि ये उन एरियाज में बिगिन होता है जहां पर पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, या हम बात करें कोई बेयर रॉक एरिया या वो एरियाज जो वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। इसके अलावा हम बात करें कोई न्यू आइलैंड हो या सैंड ड्यून्स हो या पॉन्ड हो, इन एरियाज में भी प्राइमरी सक्सेशन डेवलप हो सकता है। अगर हम बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, तो क्योंकि वहाँ पर सॉइल एब्सेंट होती है तो इस प्रोसेस को बहुत ही लंबा टाइम लगता है, कई हज़ार साल लग जाते हैं इस प्राइमरी सक्सेशन को डेवलप होने के लिए, क्योंकि उस एरिया में पहले से फर्टाइल सॉइल नहीं प्रेजेंट होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो रॉक्स थे उनमें धीरे धीरे पहले ग्रास आई, ग्रास को फिर रिप्लेस किया गया स्मॉल बुशेज एंड श्रब से, उसके बाद आए स्मॉल ट्रीज, मीडियम साइज पाइन ट्रीज, और उसके बाद आई हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट। तो आपने देखा कि जहाँ पर पहले सॉइल भी डेवलप नहीं हुई थी वहाँ से हम एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे आ गए हैं, तो इसलिए जो प्राइमरी सक्सेशन है उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टैब्लिश होने में।